लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला से विधायक श्री धाकड़ने की मुलाकात, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सौंपे पत्र, संवाददाता मनोज राव की रिपोर्ट। दरोट बुधवार को क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ने कोटा सांसद और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से रामगंज मंडी में मुलाकात कर चर्चा की। चर्चा के दौरान श्री धाकड़ ने श्री बिरला को विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पत्र सौंपे। पत्र में मांग की गई क्षेत्र में जिन ट्रेनों के स्टॉपेज बंद किए गए हैं उन्हें वापस शुरू किया जाए। श्री धाकड़ ने बताया उन्होंने नई मेमू ट्रेन शुरू करने, पुरानी ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस की स्टॉपेज और नई ट्रेनों के विस्तार को लेकर श्री बिरला को अवगत करवाया। श्री धाकड़ ने क्षेत्र में कोरोना महामारी की स्थिति से भी श्री बिरला को अवगत करवाया और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। किसान बंधुओं की समस्याओं को लेकर भी श्री धाकड़ ने अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करवाया। क्षेत्र की बड़ी योजना रावतभाटा से गांधी सागर की सड़क योजना पर भी श्री बिरला से चर्चा की। इस अवसर पर चर्चा के दौरान श्री बिरला ने कहा क्षेत्र में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जल्द श्री धाकड़ के मांग पत्र पर कार्यवाही करते हुए ट्रेनों के स्टॉपेज और नई ट्रेनों की जल्द शुरुआत के लिए रेल मंत्री श्री गोयल से चर्चा करूंगा। निश्चित ही क्षेत्र को बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। श्री धाकड़ ने बताया रामगंज मंडी में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से हुई चर्चा से क्षेत्र में जल्द विकास कार्यों की शुरुआत होगी। क्षेत्र लगातार विकास की ओर अग्रसर है और मैं सदैव इसके लिए प्रयत्नशील हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सोच चहुंमुखी विकास की है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।